नमस्कार। सावधान इंडिया के इस एक किस्सा पांच हिस्सा के नए किस्से में मैं गौरव चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी अभी आपने देखा कि एक लड़की अपने काम से चली जा रही थी, एक कार आई और उसे टक्कर मारकर निकल गई। क्या ये महज एक सड़क दुर्घटना थी या फिर किसी ने जानबूझकर उस लड़की को मारने की कोशिश की? और अगर किसी ने मारने की कोशिश की तो ये सवाल उठता है कि क्यों? क्यों कोई उस लड़की को मारना चाहता है? कौन है इसके पीछे? आइए देखें। ओहो, शकुंतला, इतना बढ़िया आर्टिकल, आर्कियोलॉजिस्ट हो तो तुम्हारी जैसे। ग्रेट जॉब है मस्त। जॉब? कम ऑन हर्षन, दिस इज नॉट माय जॉब, इट्स माय पैशन। तुम्हें नहीं पता, जब मैं उन पुरानी हवेलियों और खंडरों में जाती हूँ ना, उसमें जान आ जाती है। I come alive. Aditya, good morning. Good morning, Dad. Come. आओ, कुछ जरूरी बात करनी, बैठो। मुझे इस औरत के सामने कोई बात नहीं करनी। आदित्य, ये क्या तरीका है बात करने का? मैंने आपसे पहले भी कहा, जो बात करनी है मुझसे अकेले में करिए। That's all. आदित्य, ढंग से बात करना सीखो और मुझे तुम्हारे साथ अभी बात करनी। ओके, चेंज कर लूं। डैड, क्या बोलना चाह रहे थे? आओ बैठो। नो, आई एम फाइन हियर। प्लीज कम इन सिट। अच्छा, क्या सोचा तुमने? व्हाट्स योर फाइनल डिसीजन? सोचना क्या है? डिसीजन वही है जो पहले था। वेल, मेरे होटल मैनेजमेंट का कोर्स खत्म होने वाला है एंड आई वाज वेरी श्योर कि उसके बाद मुझे एक बड़ा सा 5-star होटल खोलना है, जिसके लिए मुझे पैसे चाहिए आपसे। मैं भी तुम्हें एक ही बात बार बार बोल चुका हूँ कि मुझे तुम्हारे 5-star होटल के प्रोजेक्ट में कोई दिलचस्पी नहीं है। Why don't you come and join my business? मेरी केमिकल फैक्ट्री संभालो। होटल बिजनेस में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तुम्हारे होटल बिजनेस से नहीं है, लेकिन बात यह है कि मेरे पास तुम्हारे होटल में पैसे इन्वेस्ट करने के फंड्स नहीं, और मेरा ये सब कुछ जो है, मेरे जाने के बाद कौन संभालेगा? I don't care. I just care about 5-star होटल। कैसी बात कर रहे हो आदित्य? ये फैक्ट्री से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ होटल खोलना है और उसके लिए मैं कुछ भी करूंगा और किसी भी हद तक जाऊंगा। देखो आदित्य, आप चुप रहिए, आप बाहरी हैं, ओके? आप बाप और बेटे के बीच में मत आइए। जस्ट स्टे अवे। आदित्य, तमीज से बात कर रहे, तुम्हारी माँ है। ये मेरी माँ नहीं है, ये आपकी बीवी है। या बीबी, आदित्य, आई एम टॉकिंग टू यू। शकुंतला से जो कुछ कहा, प्लीज आके अभी के अभी माफी मांगो। जो कुछ कहा ठीक कहा, एंड दैट, मैं किसी से माफी वाफी नहीं मांगने वाला हूं, ओके? पहले तुम ऐसे नहीं थे, आजकल हो क्या गया तुम्हें? मुझे क्या हो गया? आपको क्या हो गया डैड? जिस उम्र में आपको अपने बेटे की शादी करनी चाहिए, उस उम्र में आपने खुद शादी की है। लोग हंसते हैं मुझ पर, मजाक उड़ाते हैं मेरा। उसने शादी आपसे करी है आपकी दौलत के लिए, दैट्स ऑल।
ये तुम्हारी गलत फहमी है बेटा, तुम कुछ नहीं जानते उसके बारे में। और मैं जानना भी नहीं चाहता हूँ, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि आप मेरे 5-स्टार होटल प्रोजेक्ट के लिए पैसे कब दे रहे हैं। आदित्य, अगर तुम मेरा बिजनेस ज्वाइन नहीं करना चाहते हम ओके बताएं, लेकिन रही बात तुम्हारे 5-स्टार होटल की, मुझसे एक भी पैसे की उम्मीद मत रखना। Hi honey, how was your day? Shoot you, what happened? I'm really sorry. For what? आज सुबह जिस तरह आदित्य ने तुम्हारे साथ बिहेव किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। It's okay. मुझे उसकी बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगा। Anyway, मैंने आपकी सक्सेस पार्टी का पूरा इंतजाम कर दिया। अच्छा, tell me something. तुम रुक नहीं सकती? You know my archaeological seminar. मेरा इतना इम्पोर्टेंट लेक्चर है वहाँ, अगर वो नहीं होता ना तो मैं कभी नहीं जाती। I'll miss the party too. But never mind. हम अपनी महारानी शकुंतला के लिए एक और बड़ी पार्टी रखेंगे। Happy birthday, आशिका। Thank you, आदित्य। Ladies and gentlemen, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, श्री हर्षद राय जवेरी जी ने बिजनेसमैन ऑफ द ईयर अवार्ड की हैट्रिक अपने नाम दर्ज की है। So let's raise a toast to the man. Yes. Cheers. Cheers to all of you. इतना कीमती पेंडेंट? मेरे लिए इस पेंडेंट से कई ज्यादा कीमती तुम हो। हाँ ठीक है, पर पैसे बचाना सीखो, भविष्य में काम आएंगे। मेरे फ्यूचर के लिए मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, इन पैसों से मेरा क्या होगा? वैसे भी पैसे की ताकत के आगे दुनिया झुकती है। आज तक आप लोगों से कुछ छुपा नहीं, आप सब जानते हैं कि कई साल पहले मेरे पिताजी ने मुझे एक छोटी सी फैक्ट्री दी थी चलाने के लिए, जो काफी नुकसान में चल रही थी, और आज वही फैक्ट्री आप सबके प्यार और सपोर्ट की वजह से इस मकाम पे पहुंची। मैं आज जो कुछ भी हूं आप सबकी बदौलत, इसलिए मैंने छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज की है ताकि आप सबका शुक्रिया अदा कर सकूं। Cheers guys, please enjoy the party. Thank you sir. Thank you. और तुम तो जानते हो कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, फिर तुम मिले और तुम मेरी ताकत बन गए, और मुझे ना अपने सामने किसी को झुकाने की जरूरत नहीं है। आशिका, कल को मेरे पास पैसे नहीं होंगे ना तो तुम मुझे भी नहीं पूछोगी। पैसा सारी जरूरतें पूरी करता है, और पैसे के बगैर हम एक भी कदम आगे नहीं रख सकते। अपनी जरूरतें कम करो, जिंदगी आसान हो जाएगी। ऐसे तैसे जीने में क्या फायदा, अपनी जरूरतों को बढ़ाओ और बहुत सारा पैसा कमाओ। बस बस अपनी फिलॉसफी बंद करो, और मुझे ये बताओ कि कल मेरी बर्थडे पार्टी कहाँ दे रहे हो? आदि पार्टी में आया नहीं है। एक सेकंड आशिका। हेलो आदित्य, कहाँ हो तुम? क्यों? नहीं, क्यों का मतलब क्या होता है? घर पे पार्टी है, मेहमान आए हैं, यू शुड बी हियर ना। मैं नहीं आ सकता हूँ, मैं बैंगलोर में हूँ डैड। बैंगलोर? मुझे बता के भी नहीं गए। कल शाम को ही आया हूँ, और वैसे भी आपको मेरी परवाह कहाँ है, और मुझे वैसे भी आपकी इन बोरिंग पार्टीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओके आर यू ओके? ये लीजिए, चाहिए आप बैठ जाइए, आइए आराम से। एक बात कहूं आदित्य, बुरा तो नहीं मानोगे? बोलो ना आशिका। तुम्हें अपने डैड से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं तरसती हूँ रिश्तों के लिए, कि काश मैं किसी को पापा कह पाती, किसी को माँ कह पाती। रिश्तों की अहमियत क्या होती है मुझसे पूछो,
माँ बाप की इज्जत और अहमियत अपने आप समझ जाओगे। क्या इज्जत दूं मैं उनको? और वो शकुंतला, उससे तो मैं बहुत नफरत करता हूँ। वो मेरी माँ नहीं है और ना कभी होगी। ऐसे क्यों बोल रहे हो? मेरा बस चले ना, उसे मैं अपनी जिंदगी से नहीं बल्कि इस दुनिया से मिटा दूं। चलो अब अपना मूड ठीक करो और मुझे हॉस्टल छोड़ दो, बहुत देर हो गई है, वरना वार्डन डांटेगी। गुड नाइट एंड अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। टेक केयर। ओके। या। सी यू। बाय। मेरी मुंबई की टिकट बुक करा दो अभी की। आशका, ये कोई वक्त है आने का? अगर तुम जैसी पंचुअल लड़की ऐसा करोगी तो कैसा चलेगा? मैम, आई एम सॉरी पर आज मेरा बर्थडे है, पता है मुझे। मैं तो बस तुम्हें छेड़ रही थी। और इस साल भी हर साल की तरह तुम्हारे लिए ढेर सारे गिफ्ट आए, मैंने उसे तुम्हारे कमरे में रखवा दिए, जाकर देख लो। थैंक यू मैम, गुड नाइट। गुड नाइट। क्या हुआ, इस बार नाम लिखा है? नहीं मैम, इस बार भी भेजने वाले ने अपना नाम नहीं लिखा। डोंट वरी आशा, तू इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, ठीक है? हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। अब तू सोचो। गुड नाइट। जो मेरा इतना ख्याल रखता है, कौन है जो मेरी पढ़ाई का सारा खर्च भेजता है और बिना भूले मेरे हर जन्मदिन पर इतने महंगे महंगे गिफ्ट्स? कौन है, उसका रिश्ता क्या है मुझसे? काश मैं ये जान सकती। Hi darling, how are you? I'm fine. पार्टी कैसी रही? पार्टी अच्छी थी, लेकिन तुम होती तो बात ही कुछ और होती ना। आप भी ना। अच्छा ये बताइए, आदित्य का गुस्सा ठंडा हुआ कि नहीं? वो कल रात ही बैंगलोर निकल गया। अरे देखिए, आप टेंशन मत लीजिए, इस बार ना हम एक साथ बैठकर उसे अच्छे से समझाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। I hope so. अच्छा चलो, अपना ख्याल रखना। हाँ, गुड नाइट डार्लिंग। You two take care and see you tomorrow. सर काफी देरी हो गई है तो मैं भी निकलता हूँ। और वैसे भी आप सुबह 5 बजे उठने के आदी हैं, तो आपको सो जाना चाहिए। बिल्कुल। And see you tomorrow in the morning. Sure sir. Good night. Bye. साहब दरवाजा खोलिए, साहब दरवाजा खोलिए। साहब
सर मैं श्याम जी बोल रहा हूँ। आइए सर, दरवाजा नहीं खोल रहे साहब। सर दरवाजा खोलिए, सर दरवाजा खोलिए, सर दरवाजा खोलिए, सर बोलो करण। कहो तुम। क्या मतलब कहाँ हूँ? बैंगलोर में। और कहाँ? लेकिन सुबह सुबह फोन क्यों किया? आदित्य तुम्हारे पापा इस दुनिया में नहीं रहे। मैं अभी आ रहा हूँ। टीवी का फोन ही नहीं लग रहा। डैड, ये कैसे हो गया? सुबह सवा पांच बजे श्याम जी का फोन आया कि सर अपने कमरे का दरवाजा नहीं खोल रहे। जब मैं यहाँ पहुंचा तो देखा कि सर इज नो मोर। सुबह से शकुंतला देवी को फोन लगा रहा हूँ, उनका फोन नहीं लग रहा। एक बार कोई जरूरत नहीं शकुंतला को फोन करने की और यहाँ बुलाने की। लेकिन अच्छा सुनो, मुझे अभी के अभी पापा के सारे प्रॉपर्टी पेपर्स यहाँ चाहिए। उनकी फैक्ट्री के पेपर्स, शेयर इन्वेस्टमेंट्स के पेपर्स, जो भी इन्वेस्टमेंट्स उन्होंने किए। All right, I want them right here now. इस वक्त? Yes, now. इस नाजुक मौके पर? सुनो, तुम एक लीगल एडवाइजर हो, जितना कहा जाए सिर्फ उतना ही करो। Did you get it? Okay. आदित्य, ये सारे कागजात जो तुमने मंगाए थे। शकुंतला ने बहुत मेरे डैड के पैसे पेश कर लिए, बहुत चला लिया उसने अपना हुक्म। अब बस ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरे डैड को फंसा के रखा हुआ था उसने, अब और नहीं। लेकिन लेकिन क्या? इन सब के अलावा तुम्हारे डैड ने एक वसीयत बनाई है। वो बिल मुझे अभी चाहिए, शकुंतला के आने से पहले। वो औरत बहुत चालबाज है, वो बिल के साथ कुछ भी कर सकती है, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि उसको एक भी पैसा मिले मेरे डैड की संपत्ति से। वो वसीयत बैंक लॉकर में, मैं बैंक जाके लेकर आता हूँ। ओके। लेकिन आदित्य, लेकिन 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 क्या? लेकिन क्या आगे क्या? तुम्हारे डैड की वसीयत 100 करोड़ की है, जिसमें से 20 करोड़ तुम्हारे नाम पे। तुम मजाक कर रहे हो ना? मैं सच कह रहा हूं। और बाकी के 80 करोड़ शकुंतला देवी के नाम पे। What?
बेटे साहब आप यहाँ? I'm sorry, ये हर्षद राय जवेरी साहब कौन है? आज सुबह इनकी मृत्यु हो गई। कैसे हुआ? पता नहीं सर, कल रात यहाँ पे पार्टी थी, मैंने खुद सर को उनके कमरे में छोड़ा, फिर आज सुबह हमारे नौकर श्याम जी ने मुझे कॉल किया। जब मैं यहाँ पहुंचा तो देखा कि सर इज नो मोर। अच्छा, ये शकुंतला देवी को आप जानते हैं? हम किसी शकुंतला देवी को नहीं जानते। ये कौन है? जी ये हर्षद राय जवेरी के बेटे आदित्य जवेरी हैं। सर लेकिन हुआ क्या? देखिए, वाकानेर से 20 किलोमीटर दूर एक बंगले में हमें एक औरत की लाश मिली। पहचान करने से पता चला है कि उसका नाम शकुंतला देवी। What? तो सावधान।